एक जब बबल बनता है, एक बबल बना, एकदम आपने एक बबल को ब्लो किया, वो बबल की सरफेस टेंशन क्या चाहती है? ये मान लो एक बबल है, इसकी सरफेस टेंशन ये चाहती है कि ये बबल छोटा हो जाए, छोटा हो जाए, इसको सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी। बाहर का एटमोस्फेरिक प्रेशर भी ये चाहता है, पी नॉट स्टैंड फॉर एटमोस्फेरिक प्रेशर, कि बबल छोटा हो जाए, दबाएगा उसको हर तरफ से। अगर दो चीजें इसको दबा रही हैं तो या तो ये, क्योंकि इसके अंदर एयर है, अब एयर को कितना ही दबा लोगे तो अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और वो प्रेशर क्या करेगा, इसे रोकेगा और दबने से। कोई चीज जब बंद है और दबाओगे तो वो प्रेशर डेवलप कर लेगी अंदर, तो ये प्रेशर होता है इनसाइड का प्रेशर, अंदर का प्रेशर, बबल के अंदर का प्रेशर है। तो बबल के अंदर का प्रेशर, दैट इज पी ऑफ आई। अगर आउटसाइड का प्रेशर यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन भी फोर्स लगा रही है तो प्रेशर लगा रही है एरिया के ऊपर, अगर बैलेंस हो जाता है फिर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ना ये बड़ा होगा ना ये अब छोटा होगा। लेकिन अगर ये बड़े हो जाते हैं और इनसाइड का प्रेशर उतना डेवलप नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियसली ये छोटा हो जाएगा, और जब इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा तो हो सकता है ये बस्ट भी हो जाए। अब ज्यादा अगर दबा दोगे उसे तो ऑब्वियसली एयर है वो कहीं ना कहीं बाहर तो निकलेगी निकलेगी, तो वो बस्ट हो जाएगा। तो अब समझ में आ रहा हो कि बबल बस्ट क्यों जाते हैं कभी कभी, क्योंकि वो प्रेशर डिफरेंस मेंटेन हो नहीं पाता। ठीक, बट चलो हम बस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बस्ट कर दिया तो फिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस्ट नहीं करेंगे हम, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। कि मान लो एक बबल है और बबल एक इक्विलिब्रियम में आ चुका है, अब ना वो छोटा हो रहा है ना वो बड़ा हो रहा है, सरफेस टेंशन चाहती है कि वो छोटा हो, पर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो और ज्यादा एक लिमिट के बाद उसको छोटा कर नहीं पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि अंदर से प्रेशर ऐसा लग रहा है जो उसको छोटा होने नहीं दे रहा। ठीक, तो जो अंदर का प्रेशर है, इनसाइड का प्रेशर, वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से बड़ा होगा, और कितना बड़ा होगा, जितना प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन का होगा। तो अगर मान लो, अगर मैं ये बोलता हूं कि अंदर का प्रेशर बड़ा होगा कि छोटा होगा, एटमोस्फेरिक से पक्का बड़ा होगा, अगर एटमोस्फेरिक ही बड़ा होगा फिर तो कोलैप्स हो ही गया वो, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर से बड़ा होना पड़ेगा। तो कितना बड़ा होना पड़ेगा एटमोस्फेरिक से, इसको बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर का मतलब होता है कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से, दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर से कितनी अमाउंट से बड़ा है। ठीक है, यहां तक इसको हमने अब इस वैल्यू को निकालना है। ठीक, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन या इसको अगर डराइव करना है तो इसके अंदर सबसे पहला काम कि अंदर का प्रेशर माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये पहली पॉइंट, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अगर आप प्रेशर्स को प्रेशर से इक्वेट कर लो तो भी ठीक, ये प्रेशर कहाँ लग रहा है, 4πr² पे लग रहा है, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दोनों की जो फोर्स है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, मतलब अगर मैं इनको एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो एक्सेस फोर्स है वो प्रेशर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन के अगर इक्वल हो जाए तो भी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस को प्रेशर से इक्वेट किया, फोर्स के यूनिट को फोर्स से इक्वेट किया, या फिर फोर्स की जगह हम एक काम करते हैं, हम वर्क डन की बात करते हैं, इनसाइड के प्रेशर ने आउटसाइड के प्रेशर को से बड़ा है, इसने कुछ वर्क डन किया, क्या वर्क डन किया, इसने जो बबल था इसका एरिया बड़ा कर दिया बाहर की तरफ, लेकिन सरफेस टेंशन चाहती है कि एरिया छोटा हो जाए बाय अमाउंट ऑफ डेल्टा आर, अगर ये बड़ा करने की कोशिश कर रही है लेकिन सरफेस टेंशन चाहती है कि डेल्टा आर छोटा हो जाए, तो जितना ये वर्क डन करेगा और जितनी एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू सरफेस टेंशन, एनर्जी या वर्क डन ड्यू टू सरफेस टेंशन जो मर्जी बोल लो, तो इसका मतलब अगर इक्विलिब्रियम आता है और एक जो बबल है अपना एक फिक्स साइज एक्वायर कर लेता है, ना तो बड़ा हो रहा है ना छोटा हो रहा है, या तो अपने क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि एक्सेस प्रेशर सरफेस टेंशन के प्रेशर के इक्वल है, या एक्सेस फोर्स इनसाइड की फोर्स एटमोस्फेरिक फोर्स से फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन के इक्वल है, या फिर वर्क डन और एनर्जी इक्वल है, तो ये भी जूल ये भी जूल, न्यूटन न्यूटन, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर, आप जैसे मर्जी कर लो। कई बुक्स अपना क्वेश्चन प्रेशर डिफरेंस से कैलकुलेट करती हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है प्रेशर से कैलकुलेशंस करना,
तो जब एडवांस क्लास लगेगी तो उसके अंदर मैं आपको करके भी दिखाऊंगा दूसरे मेथड से. थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, तो मैं एक्स्ट्रा क्लास में रखूंगा उसको. प्रेशर से आज सबसे आसान तरीका होगा, और इससे आसान नहीं कुछ हो सकता, और वो क्या है, वर्क डन एंड एनर्जी. ना तो कोई वेक्टर का चक्कर है, ना डायरेक्शंस का चक्कर है, एनर्जी कैलकुलेट करो, वर्क डन कैलकुलेट करो, दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा. तो हम जो बेसिक मेथड फॉलो करने जा रहे हैं वो ये मेथड होगा. हम क्या करेंगे, हम वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे कि इसने कितना वर्क डन किया, ताकि वो बबल थोड़ा बड़ा या छोटा हो जाए. जो भी उसने वर्क बड़ा करने का वर्क डन होगा, छोटा क्यों करेगा. और वो जो वर्क डन है वो स्टोर हो जाएंगी एनर्जी की फॉर्म में. और कौन सी एनर्जी, एनर्जी सरफेस के ऊपर. और सरफेस की एनर्जी को क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी. अब मैं आपको इसको समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके देना चाहता हूं. सपोज करो एक मिनट के लिए कि एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग को आप खींचते हो. वो खींचना नहीं चाहता, अपनी इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है, रेस्ट पे रहना चाहता है, पर आप चलो जबरदस्ती उसको खींचते हो. आप क्या कर रहे हो, अमाउंट ऑफ वर्क डन ठीक कर रहे हो, आपने खींच के रखा हुआ है. वो वर्क डन उस स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग एनर्जी. आप उसको छोड़ के देख लो, देखो वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा. ऐसे होता है. तो हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन अगर करना चाहते हैं किसकी, वर्क एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग की, तो हम क्या कर लेते हैं, उसके अगेंस्ट वर्क डन कर लेते हैं. तो अगर कोई भी चीज के अगेंस्ट वर्क डन करें और उस वर्क डन को छोड़ दें और वो चीज वापस वहीं पर आ जाए, हम क्या बोलते हैं, उस बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है. जैसे सेकंड एग्जांपल है, आप एक ऑब्जेक्ट को अर्थ ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाओ, आपने अगेंस्ट उठाया, ग्रेविटी नहीं चाहती, ग्रेविटी चाहती है कि ये नीचे आए, तो आप क्या करोगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन करोगे, एमजीएच. जो वर्क डन करोगे वही क्या स्टोर हो जाएगी बॉडी के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. चाहे आप उसे हाथ में पकड़ के रखो इक्विलिब्रियम में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनर्जी उसके अंदर डेवलप हो चुकी है. इसके अंदर भी सेम है, सरफेस टेंशन चाहती है कि ये क्या हो जाए, बबल या ड्रॉप, छोटा. पर अंदर का प्रेशर इतना डेवलप हो चुका है कि वो उसको क्या कर रहा है, बड़ा. तो मान लो उसने डेल्टा आर बड़ा कर दिया, ठीक, डेल्टा आर बड़ा कर दिया, और उसको वहां इतना वर्क डन किया कि उससे बड़ा वो कर नहीं पा रहा. अंदर का जो वर्क डन है जो इन्होंने किया इस प्रेशर ने, तो डेल्टा आर उसको बड़ा कर दिया, उससे ज्यादा वो कर नहीं पा रहा, वहीं रुक गया. और अगर सोचो अंदर से ये वर्क डन ना करता तो सरफेस टेंशन उसको छोटा कर देती. आप अगेंस्ट सरफेस टेंशन काम कर रहे हो, तो जब आप अगेंस्ट कोई फोर्स काम कर रहे हो, जबकि वो फोर्स चाहती है कि बबल छोटा हो, आपने क्या कर दिया, उसे बड़ा कर दिया और रोक के रखा वहीं पर, एक फिक्स साइज कर दिया, इक्विलिब्रियम आ गया. इसका मतलब है कि जो भी आप वर्क डन करेंगे वो उस ड्रॉप के अंदर या बबल के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. अगर आप देखना चाहते हैं कि सच में एनर्जी स्टोर हुई कि नहीं हुई, आप अंदर का किसी तरीके से प्रेशर कम कर दें. जैसे प्रेशर कम करेंगे अंदर का, तो बबल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि सरफेस टेंशन की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो चुकी है. और सरफेस टेंशन की एनर्जी को क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी. वो सरफेस के अंदर जो एनर्जी होगी वो उसे छोटा कर देगी, लेकिन वो कर नहीं पा रही क्योंकि अंदर से इक्वलेंट अमाउंट ऑफ वर्क डन होता जा रहा है. ये वही केस है कि जैसे अगर मैंने स्प्रिंग को खींच के रखा हुआ है, और स्प्रिंग चाहता है कि वो छोटा हो जाए, पर मैंने इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया हुआ है कि उसकी एनर्जी के इक्वल है, तो स्प्रिंग ना बड़ा होगा ना वहां पर छोटा होगा. लेकिन जैसे ही मैं अपना वर्क डन कम करता हूं, स्प्रिंग की एनर्जी है उसे छोटा कर देगी. ऐसे ये बबल छोटा हो जाएगा, लेकिन इसलिए छोटा नहीं हो पा रहा क्योंकि दोनों की एनर्जी और वर्क डन सेम हो चुके हैं. तो मैं कुछ यही करने वाला हूं. तो मैं क्या करूंगा कि एक, मैंने सबसे पहले दो केस करेंगे. पहले ड्रॉप का केस करते हैं. बबल की जगह उसने पहला केस ड्रॉप का ले लिया. हार्डली मैटर्स, एक ही बात है, ड्रॉप या बबल में एक ही फर्क है कि एक्सेस प्रेशर अगर आपने किस में कैलकुलेट करना है, ड्रॉप में, एक लिक्विड का ड्रॉप है, तो लिक्विड के ड्रॉप के अंदर पहली बात तो लिक्विड है. फर्क सिर्फ एक है, जो ड्रॉप होता है उसमें सरफेस टेंशन सिर्फ बाहर होती है, एक ही सरफेस टेंशन उसको दबाने की कोशिश करती है. बबल के अंदर अंदर भी सरफेस टेंशन है और बाहर भी सरफेस टेंशन है. बबल में दो फ्री सरफेस होती हैं, तो अंदर के मॉलिक्यूल भी वर्क डन करेंगे और बाहर के मॉलिक्यूल भी वर्क डन करेंगे, तो डबल वर्क डन कैलकुलेट होता है. इसलिए दोनों के रिजल्ट में टू फैक्टर का डिफरेंस आता है, एक में टू आता है, एक में टू नहीं आता. मैं करके दिखाता हूं. पहले ड्रॉप लेते हैं. एक ड्रॉप का रेडियस कितना था, आर था.
अंदर का प्रेशर पी आई है, बाहर का पी नॉट है, तो एक्सेस प्रेशर कितने है, पी आई माइनस पी नॉट है। अब हुआ क्या, सपोज करो पहले रेडियस आर था और इन्होंने क्या किया, डेल्टा आर बड़ा कर दिया रेडियस। तो जब डेल्टा आर बड़ा किया तो रेडियस आर प्लस डेल्टा आर हो गया। तो ऐसे केस में एक्स्ट्रा प्रेशर, अंदर का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रहे, तो एक्सेस प्रेशर इतने, इतने प्रेशर ने कितने एरिया पे काम किया था, 4 पाई आर स्क्वायर पे किया था। और 4 पाई आर स्क्वायर एरिया पे जब काम किया तो उससे हुआ क्या, डेल्टा आर रेडियस बड़ा हो गया, तो ये अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ फोर्स है, और इस फोर्स ने कितनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवा दी, डेल्टा आर। तो ये अमाउंट ऑफ क्या आ गया, वर्क डन डी डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू या डी डब्ल्यू। स्मॉल वर्क डन आपने कैलकुलेट करवाई जिसके अंदर फोर्स, जो एक्सेस प्रेशर फोर्स लगा रहा है, इनटू स्मॉल चेंज इन एरिया। ये पहला स्टेप क्लियर, ये आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया जो आपने किया। अब क्योंकि वहीं वहां पर जाके ये बबल या ड्रॉप जो भी है इक्विलिब्रियम में आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर अगेंस्ट फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, ये किसके अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, एंड इज स्टोर्ड इन अ ड्रॉप, ड्रॉप के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्यों, क्योंकि वो डेफिनेशन प्रेशर डिफरेंस से बना रहा है। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर की वजह वजह से जो वर्क डन है वो प्रेशर एनर्जी है, जिसको आपने पोटेंशियल एनर्जी का नाम भी दिया, क्योंकि जो वर्क डन की कैलकुलेशन है वो प्रेशर के डिफरेंस से हो रही है, प्रेशर का डिफरेंस इंटू एरिया और इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये कैलकुलेशन कैसी होगी, हमने डिस्कस किया कि डेल्टा यू चेंज इन एनर्जी या एनर्जी की वैल्यू या वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। तो सरफेस टेंशन के हिसाब से सरफेस टेंशन टी है, और एरिया चेंज कितना हुआ, पहले एरिया कितना था इतना, अब एरिया कितना हो गया, इतना हो गया आर प्लस डेल्टा आर। तो यहां से ओपन करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये तीन टर्म्स आएंगी। डेल्टा आर बहुत बहुत छोटा होता है, डेल्टा आर का स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल, कैन बी निग्लेक्टेड, इसको छोड़ दो, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास जो एनर्जी की वैल्यू आएगी डेल्टा यू वो इसके इक्वल आ जाएगी बस। तो ये एनर्जी किसकी वजह से है, ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये डेवलप हो गई। क्यों डेवलप हुई, बिकॉज देयर इज सम चेंज इन एरिया, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, एंड व्हेन देयर इज सम चेंज इन एरिया तो देयर इज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द ड्रॉप, तो ये आपके पास एनर्जी स्टोर्ड है। और इक्विलिब्रियम के अंदर जब वो ड्रॉप रुका हुआ है और दोनों बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को दोनों, तो हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा वो चेंज इन एनर्जी के इक्वल होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन। डेल्टा आर से डेल्टा आर क्या हो गया, कैंसल, पाई से पाई कैंसल, तो आपके पास एक्सेस प्रेशर कितना आ गया, 2 T/R। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप। ठीक है यहां तक, तो आपने क्या करना है, आपने पहले अपना वर्क डन निकालना है, अपने अमाउंट ऑफ वर्क डन को एनर्जी ड्यू टू सरफेस टेंशन के इक्वल कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। और नेक्स्ट में बबल है, बबल में बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 1 तक आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन बिल्कुल सेम है, बस फर्क ये है कि जब आप सरफेस टेंशन की एनर्जी निकालते हो, यहां तक बिल्कुल सेम है, जब आपने वो होल स्क्वायर को ओपन किया था, माइनस करके कैंसिल किया था डेल्टा आर स्मॉल, तो आपका आंसर ये आया था, इसमें 2 आएगा। क्यों, क्योंकि अंदर भी सरफेस टेंशन है, बाहर भी सरफेस, तो दो दो एनर्जीज होंगी अंदर से भी और बाहर से भी। अब इक्वेट करेंगे जब दोनों को, तो आंसर के अंदर भी 2 का फर्क आएगा, पहले आंसर आया था 2T/R, अब कितना आएगा, 4T/R। कैसे, बबल के केस में ऐसा होता है ना, ये बबल है, अंदर एयर है बाहर भी एयर है, तो कुछ मॉलिक्यूल अंदर होंगे कुछ बाहर होंगे, तो ये भी वर्क डन करेंगे ये भी वर्क डन करेंगे, वो अलग है ये अलग है, बीच में लाखों मॉलिक्यूल्स हैं जो बात नहीं कर रहे। ठीक है यहां तक, तो आज की बात ये तो एनसीईआरटी में आ सकता है, खैर एक्सेस प्रेशर सीधा ऐसे ही प्रूव करना है, कई स्कूल में आया भी था जिनका 1 तारीख को पेपर है। तो बस ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर मान लो ये ड्रॉप है, लिक्विड का ड्रॉप, लिक्विड के ड्रॉप में अंदर का प्रेशर और एटमोस्फेरिक प्रेशर का डिफरेंस क्या होता है, 2T/R, वेयर आर इज रेडियस ऑफ ड्रॉप, और दूसरा केस क्या है, बबल। तो बबल के केस में अंदर का प्रेशर पी आई है, बाहर का एटमोस्फेरिक है, तो बबल के केस में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 4T/R। ये रिजल्ट को आपने याद रखना है। ठीक, एक सेकेंड,
अच्छा, कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि सपोज ये देखो, लेट अस सपोज ये आपके पास एक बबल है, बबल वाटर के अंदर है, पानी के अंदर है, ठीक। तो ये एक बबल है लेकिन बबल वाटर के अंदर है। अब कितनी सरफेस टेंशन है, एक की दो? एयर एक तो है, एयर अंदर वाले मॉलिक्यूल्स तो एयर और वाटर के कांटेक्ट में हैं, तो अंदर दो कैसे? ये बाउंड्री जो वाटर है, वाटर के बाहर तो खुद ही वाटर है, वो कैसे लगाएगा? अगर मैं बबल लेता था एयर में, बाहर एयर है अंदर भी एयर है, तो ये इसको थिक करके देखना, इसके अंदर भी मॉलिक्यूल्स हैं और बाहर भी मॉलिक्यूल्स हैं, तो अंदर भी सरफेस टेंशन है, बाहर भी सरफेस टेंशन है। देख, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसमें एक ही सरफेस टेंशन होगी इनसाइड। तो ऐसे केस में जो एक्सेस प्रेशर बनेगा इसके अंदर, अंदर का प्रेशर और आउटसाइड का प्रेशर, अब वो 4t/r नहीं होगा, वापस से 2t/r, क्योंकि टू फैक्टर कट जाएगा इसमें। वही तो इनसाइड का प्रेशर है, फिर एयर का कॉलम एचरो जी नहीं, ये एच रो जी इसमें लगाएगा, ये सही कह रहे हैं। देखो इधर ये कह रहे हैं इसमें एच रो जी भी लगाओ, मान लो ये सरफेस के बहुत ही ऊपर है, बहुत ऊपर है, तो एच रो जी का फैक्टर भी निगलेक्ट ही है। वैसे ऑब्जेक्टिव आते हैं जिसमें कहेगा कि एक बबल है वो एच डिस्टेंस पे जाके बन गया, तो फिर आप ऐसे बोलेंगे जैसे इसने क्वेश्चन पूछा है, बता देता हूँ इसका आंसर, कि मान लो एक बबल है, सेम ये देखो एक बबल है, ये बबल ये लो, ये वाटर की सरफेस है, वाटर की सरफेस के नीचे है और अंदर का प्रेशर कितना है? पी आई है। आपको बताना है कि इस बबल के अंदर का प्रेशर कितना है, ये क्वेश्चन है। मुझे पता है कि बबल के अंदर का जो प्रेशर होगा वो आउटसाइड एटमोस्फेरिक प्रेशर से कितना बड़ा होगा, इस केस में 2t/r, वैसे 4t/r होता है बबल के केस में, पर यहां पर 2t/r लगा दिया। तो इनसाइड का प्रेशर क्या आना चाहिए था? एटमोस्फेरिक तो आना ही चाहिए था, साथ में 2t/r भी आना चाहिए था, पर ये कह रहा है मेरा बबल तो h डिस्टेंस नीचे है मान लो सरफेस से, तो वाटर कॉलम भी तो लगाएगा प्रेशर, तो एंड में इसमें ऐड कर देना h रो जी, तो ये इनसाइड का प्रेशर नेट ही आएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, आपकी शीट के अंदर भी आएगा, तो इसका यही आंसर मार्क करना आप। निकाल लेंगे, असली चीज ये है कि बबल में 2t/r क्यों लग रहा है, ये समझ में आ रहा है जब वो वाटर में है, लेकिन अगर वो एयर में ही होता तो फिर सारे रिजल्ट्स 4t/r से आते। ये हमने डिस्कस किया हुआ है मेनिस्कस का लास्ट टाइम, कि फोर्स ऑफ एडहेजन कोहेजन जिससे कि मेनिस्कस ऐसा बन जाता है, ठीक है। अब इसी चीज को एक और तरीके से करते हैं, जो एक्सेस प्रेशर किया वो ये कि आप ओपन कर सकते हो, ये जो एक पॉइंट लिखा हुआ है एक्सेस प्रेशर कौन सा पेज है, पेज नंबर 16, पेज नंबर 16।
एक्सेस प्रेशर के अंदर हमने क्या किया कि मान लो एक लिक्विड की सरफेस है, लिक्विड ड्रॉप है और बाहर एयर है, तो वो डिफाइन करता है कि जो एयर की बाहर वाली सरफेस है वो कन्वेक्स सरफेस है, जो अंदर वाली सरफेस है वो कनकेव सरफेस है। ठीक, हालांकि जरूरत नहीं है, हम लोगों को सीधे रिजल्ट्स याद हैं कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से बड़ा ही होगा, पर उसने स्टेटमेंट बना दी कि कनकेव का प्रेशर, कनकेव साइड का प्रेशर कन्वेक्स साइड के प्रेशर से बड़ा ही होगा। पहले डिफाइन कर दिया अंदर का सरफेस कनकेव है, बाहर का कन्वेक्स है, फिर ये रिजल्ट बना दिया कि जो कनकेव सरफेस होगी उसका प्रेशर कन्वेक्स से बड़ा होगा। और वो कहते हैं कि सिर्फ ड्रॉप के अंदर ही नहीं, ये हर जगह वैलिड है। अगर आपको कोई मेनिस्कस भी दिख जाता है, मेनिस्कस की शेप ये कन्वेक्स है, ये कनकेव है, तो कनकेव का प्रेशर कन्वेक्स से बड़ा होगा, जिसमें करके दिखाऊंगा। तो कनकेव कन्वेक्स के टर्म में अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि अंदर की सरफेस कनकेव है, बाहर की कन्वेक्स है। ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे उसने बोला ड्रॉप का केस लेते हैं, तो ड्रॉप के केस में इनसाइड का प्रेशर आउटसाइड के प्रेशर, और आउटसाइड का प्रेशर क्या होता है, पी एटमोस्फेरिक, से बड़ा होगा बाय एन अमाउंट ऑफ 2T/R। ये रिजल्ट हमने कर लिया। फिर वो ये डिस्कस करेगा कि अगर मान लो ये ड्रॉप है, लेकिन ये ड्रॉप किस में पड़ा हुआ है, वाटर में पड़ा हुआ है, तो हमने सीधा ही कर लिया वाटर के अंदर पड़ा हुआ है तो सरफेस टेंशन दो नहीं होगी, सरफेस टेंशन तो एक ही होगी, और आंसर क्या होगा, 2T/R। हमें मालूम है रिजल्ट, पर उसने कैसे किया, उसने कहा कि जो एयर की सरफेस है वो कनकेव मानी जाएगी, वाटर की सरफेस कन्वेक्स मानी जाएगी, कनकेव का प्रेशर कन्वेक्स से बड़ा होता है, अंदर का प्रेशर बाहर से बड़ा होगा, और बाय अमाउंट ऑफ 2T/R। मतलब सेम चीज को कनकेव और कन्वेक्स की फॉर्म में कैसे बोलना है, बस ये बताया। अदरवाइज तो रिजल्ट हमें आते हैं कि अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से बड़ा ही होगा। ये रिजल्ट भी क्लियर है। फिर उसने ये बताया कि मान लो एक सोप बबल लेते हैं, तो ये लो, ये मैंने एक बबल ले लिया। ठीक, हमने एक रिजल्ट किया बबल के अंदर कि अंदर का प्रेशर अगर P2 है कहीं पर भी और बाहर का एटमोस्फेरिक P1 है, तो अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से कितना बड़ा होगा, बाय अमाउंट ऑफ 4T/R, क्योंकि ये भी एयर है और ये भी एयर है। डन, ये हमने किया रिजल्ट। पर उसने इस चीज को एक और डीप में थोड़ा और एनालिसिस किया, उसने कहा कि ये एयर है, बीच में लाखों मॉलिक्यूल्स आएंगे वाटर के, फिर एयर आएगी, तो उन लाखों मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेशर को हमने डिस्कस नहीं किया, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उसने कहा एक काम करते हैं, थोड़े माइक्रोस्कोपिक लेवल में चले जाते हैं और उसके अंदर हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं देखने के लिए। वैसे ये बहुत थिन होता है, थिन है, लेकिन हमने क्या किया, इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखा तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हमें इसको देखने में मिले ऐसे। तो डायग्राम ऐसा बन गया, थोड़ा थिन को थिक कर दिया मैंने, तो ये डायग्राम बना इसमें। तो कहते हैं कि मान लो यहां प्रेशर P2 है, बाहर प्रेशर P1 है, और लेट अस सपोज वाटर की जो सरफेस है उसके अंदर चले जाओ, यहां प्रेशर P डैश है। ठीक है यहां तक। तो उसने एक और पॉइंट कंसिडर कर लिया बबल के अंदर जाके, सोप फिल्म के अंदर जाके, जबकि यहां एयर है, यहां एयर है, इस सरफेस में वाटर है, तो अंदर चला गया और वहां प्रेशर कितना था, P डैश था। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो तीन प्रेशर हो गए। तो उसने कहा कि देखो, अगर आप सिर्फ ये पहली सरफेस लेते हो, ये वाली और ये वाली, तो अंदर का सरफेस कनकेव है, बाहर का कन्वेक्स है, तो P डैश P1 से बड़ा होगा बाय एन अमाउंट ऑफ 2T/R। 2T/R क्यों? क्योंकि यहां वाटर है, बाहर एयर। अब इसको छोड़ दो, अब आपने इसको और इसको देखना है, तो इनके बीच में ये एयर है और ये वाटर है, तो P डैश का प्रेशर P1 से बड़ा होगा बाय एन अमाउंट ऑफ 2T/R, 4T/R नहीं। ठीक है यहां तक। उसी तरीके से उसने कहा कि एक इंटरफेस और लेते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, अब इसके बीच में नीचे एयर है, ऊपर वाटर है, फिर से एक फ्री सरफेस है, यानी कि उसने इकट्ठा पढ़ने की बजाय ब्रेक कर लिया, पहले इसको इसको देख लिया, फिर इसको इसको देख लिया। तो अब वो कह रहे हैं कि ये कनकेव है, ये कन्वेक्स है, तो यहां से P डैश से बड़ा होगा अगेन बाय अमाउंट ऑफ 2T/R। उसने स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाया कि कनकेव सरफेस कन्वेक्स से बड़ा होगा और हमेशा अमाउंट 2T/R होगा। तो दो बार इक्वेशन लिख दी, एक बार इसकी और इसकी लिख दी, एक बार इसकी इसकी लिख दी, और जब इसने ऐड किया इन्हें, तो इंटरमीडिएट पानी का प्रेशर कैंसिल हो गया और फाइनल आंसर क्या आ गया, P2 - P1 इज इक्वल टू, जो रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता है। हम इस रिजल्ट को सीधा करते हैं, लेकिन उसने इंटरमीडिएट करके दिखाया, लेकिन इंटरमीडिएट प्रेशर को उसने कैंसिल भी करके दिखाया। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, आ रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में करेक्शन करो, यहां पर P डैश आएगा,
इक्वेशन नंबर टू में पी टू माइनस पी डैश करो प्लीज, करेक्शन करो यहाँ पर, आपकी बुकलेट के अंदर ये पी वन है, गलती से पी वन डल गया, पी डैश होना चाहिए था। ये इक्वेशन है देखो ना, पी टू माइनस पी डैश इज 2t/r, और जब ऐड करोगे तो पी टू माइनस पी वन की वैल्यू 4t/r आ जाएगी। ठीक, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कैपिलरी एक्शन, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, जिसके ब्रैकेट में लिखा हुआ एसेंट फॉर्मूला। बट इंपॉर्टेंट है ये भी, स्कूल के अंदर ये पूछा गया, अभी मॉडल स्कूल का पेपर हुआ था, उन्होंने 2t/r प्रूव करने को दे दिया और एक ये भी दे दिया, दोनों चीजें आ गई। ठीक, तो कैपिलरी एक्शन देखने से पहले एक चीज और देख लें कि सपोज ये तीन ट्यूब्स हैं, देख रहे हैं, इन ट्यूब्स में, इन ट्यूब्स के अंदर ये एक सरफेस फ्लैट है, ये मेनिस्कस ऐसा है, ये मेनिस्कस ऐसा है, मर्करी का होगा, ये वाटर का होगा, और एक चीज तो पक्की है कि मेनिस्कस इसलिए बनता था क्योंकि फोर्स ऑफ एडहेजन और कोहेजन का गेम था, मैंने बताया था, तो इसलिए मेनिस्कस बनता था। ठीक, अब अगर मैं कनकेव और कन्वेक्स का रूल लगाऊं, तो अगर आप कोई पॉइंट इसके ऊपर लेंगे ट्यूब के, कोई भी इमीडिएट ऊपर और इमीडिएट नीचे, और सरफेस अगर फ्लैट है, तो प्रेशर ऊपर एटमोस्फेरिक है, नीचे भी एटमोस्फेरिक ही होगा, पी नॉट होगा, इसलिए सरफेस फ्लैट है। मतलब अब मैं एक्सप्लेनेशन चेंज कर रहा हूं, मैंने पहले एक्सप्लेनेशन जो दी थी लास्ट लेक्चर में वो थी बाय फोर्स ऑफ एडहेजन एंड कोहेजन, लेकिन एडहेजन कोहेजन की वजह से, फोर्सेस की वजह से, एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और अगर आपकी सरफेस फ्लैट है तो पी नॉट ही रहेगा। हाँ, आप कहोगे सर यहां पर पॉइंट लो, हाँ फिर H2G ऐड हो जाएगा, लेकिन इमीडिएट ऊपर बोला तो वाटर कॉलम का प्रेशर नहीं लेना आपने, एटमोस्फेरिक ही रहेगा। लेकिन अगर आपका मेनिस्कस ऐसा है तो ऊपर का प्रेशर बढ़े, एटमोस्फेयर ज्यादा प्रेशर लगा रहा है अंदर के प्रेशर से, और अंदर का प्रेशर कम होगा बाय एन अमाउंट ऑफ 2t/r। देखो ना, जो कर्व्ड सरफेस होती है, अभी हमने रिजल्ट भी किया हमेशा कि हमेशा इस केस में जो कनकेव सरफेस होती है वो कन्वेक्स से बड़ा ही होगा प्रेशर में बाय 2t/r। जैसे ये आपने कर्व देख लिया, इस कर्व के इस तरफ प्रेशर हमेशा इस तरफ से ज्यादा ही होगा, अभी किया ना, तो देखो ना, अगर मैं इस सरफेस को, ये देखो ये ट्यूब है, ये मेनिस्कस है, ये मेनिस्कस है, ठीक, और अगर सपोज करो अगर मैं इस मेनिस्कस को इमेजिनरी एक स्फेयर बनाऊं सच दैट दिस आर इज रेडियस ऑफ दिस मेनिस्कस, और स्पेशल लिखा भी हुआ है इसमें आर का मतलब ट्यूब का रेडियस बिल्कुल भी नहीं है, इसमें आर का मतलब मेनिस्कस का रेडियस है, और मेनिस्कस का रेडियस का मतलब क्या होता है, इसको इमेजिनरी स्फेयर बनाना पड़ेगा, उसका रेडियस इज मेनिस्कस का रेडियस, जबकि ट्यूब का रेडियस कुछ और आएगा। हमें ट्यूब के रेडियस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए होता है, मेनिस्कस, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स हैं 2t/r इसमें मेनिस्कस का रेडियस होता है, और 2t/r या 4t/r में r इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस एंड नॉट ट्यूब। तो अगर मैं इसे ऐसे बनाऊं, इस तरीके से मैं बना दूं, तो मुझे पता है कि यहां का प्रेशर यहां के प्रेशर से ज्यादा ही होगा बाय एन अमाउंट ऑफ 2t/r, क्योंकि अंदर ये वाटर है, ये वाटर है और ये एयर है, इसमें एक फ्री सरफेस बनेगी यहां पर, तो अंदर यहां का प्रेशर यहां के प्रेशर से बड़ा होगा, तो ये मैं, और या फिर उल्टा बोलूं, यहां का प्रेशर इसके प्रेशर से कम होगा, यहां का प्रेशर इसके प्रेशर से बड़ा होगा, ये यहां का प्रेशर इसके प्रेशर से छोटा होगा। तो वही बोल रहा हूं मैं कि यहां का प्रेशर, अंदर का प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से छोटा होगा बाय एन अमाउंट ऑफ 2t/r। ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, ये पॉइंट समझ में आया, तो सीधा रिजल्ट है। और इस केस में अगर मेनिस्कस ऐसे है तो अब बाहर का प्रेशर कम होगा, अंदर का ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि अगर ट्यूब ऐसी है और मेनिस्कस ऐसा है, तो अगर मैं इमेजिनरी इसका मेनिस्कस बनाऊं स्फेरिकल, तो यहां का प्रेशर अब ज्यादा होगा, इनसाइड का बाहर का कम होगा, तभी तो मेनिस्कस ऐसा है ऊपर को। अच्छा, ऐसे कर लो, चलो अंदर का प्रेशर पी आई है, बाहर का प्रेशर पी नॉट है, यहां का प्रेशर बड़ा होगा, पी आई पी नॉट से बड़ा होगा एटमोस्फेरिक से बाय अमाउंट ऑफ 2t/r, तो इनसाइड का प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस 2। अब ठीक है, इनसाइड का प्रेशर, अच्छा यहां भी लगा के दिखाऊं, ये देख, सपोज
यहाँ का प्रेशर पी इनसाइड है, यहाँ का प्रेशर पी आउटसाइड है यहाँ पे, तो इनसाइड का प्रेशर आउटसाइड के प्रेशर से नीचे के पॉइंट से बड़ा होगा बाय 2t बाय r, तो आउटसाइड का प्रेशर क्या होगा पी इनसाइड माइनस 2t बाय। अब ठीक है, यहाँ का प्रेशर माइनस क्यों किया, ठीक ठीक है यहाँ तक, तो सेम रिजल्ट लगा रहे हैं इसमें 2t बाय r, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर ऐसे याद नहीं रहता कौन बड़ा कौन छोटा, तो अपने मन में एक शॉर्टकट लगा लो, एक फिल्म है, एक शीट है, वो फट नहीं सकती। तो मान लो अगर किसी ने यहाँ पर प्रेशर लगाया अपने हाथ से शीट के ऊपर नीचे बराबर, शीट प्लेन रहेगी, ये ना केस, ऊपर नीचे बराबर देखो। अगर किसी ने ये देखो ज़्यादा प्रेशर लगा दिया ऊपर से, नीचे से नहीं लगा पाया, देखो शेप ऐसी हो गई, ऊपर का प्रेशर बड़ा नीचे का कम है, तो नीचे का कम का मतलब माइनस 2t बाय r। अब लास्ट ये रहा, अब यहाँ का प्रेशर बड़ा है ऊपर से बाय एन अमाउंट ऑफ 2t बाय r। मतलब याद रखने का तरीका है, तरीके तो बहुत हैं पर उनमें से ये भी एक तरीका है, ठीक है। मतलब जहां आपको कर्व दिख जाए ना, यानी कि वहां का प्रेशर बड़ा है और दूसरी तरफ इसका छोटा है। इनसाइड नीचे वाला नहीं होता, इनसाइड का मतलब होता है कि जब स्फेयर बनाते हैं तो अंदर जो चला जाएगा स्फेयर के वो इनसाइड होता है। स्फेयर तो इमेजिनरी बनेगा ना, अंदर जाना पड़ेगा तेरे को, वो इनसाइड कहलाएगा, ठीक। ओके, अब शुरू करते हैं एसेंट फॉर्मूला का मेथड नंबर 1 से प्रूफ। बहुत आसान मेथड है मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा पर ये बहुत आसान है। हम कैपिलरी एक्शन की बात करते हैं, लेकिन कैपिलरी एक्शन से पहले एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि अगर ट्यूब बड़ी है, और मैं आंसर देना चाहता हूं, अगर ट्यूब बड़ी है तो उसका मेनिस्कस क्यों नहीं बनता, फ्लैट सा हो जाता है। मैंने बताया था लास्ट टाइम कॉर्नर्स पे, मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि कॉर्नर्स पे फोर्स ऑफ एडहेशन कोहेजन लगती है तो वहां तो मेनिस्कस बनेगा, लेकिन बीच में नहीं लगती तो वहां पर नहीं बनेगा, ऐसा बोला था। इसको प्रूफ करने का एक और भी तरीका है प्रेशर से, कैसे, देखो यहां का प्रेशर जो यहां पर आ जाते हैं, देखो ये सरफेस लेते हैं, ये रहा, ऐसा बनना चाहिए था नहीं बना, तो इस केस में यहां का प्रेशर कितना होना चाहिए था, इतना, वेयर स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस। अब देखो ये मेनिस्कस फ्लैट है, जो मैंने पोर्शन लिया वो मेनिस्कस फ्लैट है एकदम, रेडियस तो दिख नहीं रहा ना उसका, तो जो फ्लैट सरफेस होती है उसका रेडियस क्या लेते हैं हम, इनफाइनाइट, बिल्कुल सही। फ्लैट सरफेस का रेडियस कभी जीरो नहीं होता, फ्लैट मीन इनफाइनाइट होता है, क्यों, क्योंकि जब हम फ्लैट लेते हैं तो हम ये मानते हैं कि ये बहुत बड़ा स्फीयर बना होगा जिसका मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया है, तो इसका रेडियस बहुत 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 बड़ा आता होगा, ठीक। बहुत बड़े रेडियस का अगर एक पोर्शन ले वो स्ट्रेट बनेगा तो आपको लगेगा कि वो इनफाइनाइट रेडियस का, तो याद रखना प्लेन सरफेस का मतलब होता है रेडियस इज इनफाइनाइट, वन बाय इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, तो आंसर क्या आएगा, पी नॉट, बेंडिंग नहीं होगी, मतलब प्रेशर 2t बाय r इतना 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 छोटा हो जाएगा अप्रोचिंग टू जीरो। तो ये सेकेंड एक्सप्लेनेशन है कि सिर्फ पी नॉट क्यों लिया जाता है, एक तो वो बता ही दिया था मैंने क्योंकि बकेट दूर है, लेकिन ये भी सही तरीका है जिससे कि मैथमेटिकल प्रेशर्स के फॉर्मूला भी मैच कर रहे हैं, कोई डाउट इसमें, ठीक। अब कैपिलरी एक्शन, जो कैपिलरी एक्शन हमने करना है,